घर से कॉलेज के लिए निकली एक छात्रा को बुधवार को उसके जीजा ने गला दबाकर सूखे कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने करीब 38 घंटे बाद गुरुवार रात रेस्क्यू कर छात्रा को कुएं से जिंदा बाहर निकाल दिया। छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी जीजा को हिरासत में ले लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी ने गौतम ने बताया कि शहर कोतवाली थाना इलाका निवासी 19 वर्षीय एक छात्रा जीडी कॉलेज में पढ़ती है। बुधवार को वह घर से कॉलेज के लिए निकली और वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने शहर कोतवाली थाने में छात्रा की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रा की गहनता से तलाश शुरू की और कॉलेज के आसपास से सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें छात्रा अपने जीजा के साथ नजर आई। पुलिस ने गुरुवार रात छात्रा की जीजा को हिरासत में लेकर उससे गहनता से पूछताछ की, जिसमें आरोपी जीजा ने बताया कि वह बुधवार को अपनी साली से मिलने आया। दोनों मंगल विहार स्थित एक खाली प्लॉट के पास चले गए। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें उसने अपनी साली का गला दबाकर बुधवार दोपहर करीब 12 बजे उसे पास ही स्थित कुएं में फेंक दिया। घटना के खुलासे के बाद पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम सहित अन्य पुलिस अधिकारी, FSL, डॉग स्क्वाड और सिविल डिफेंस की टीम रात करीब 12:30 बजे घटना स्थल पर पहुंची। वहां रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर छात्रा को जिंदा हालत में कुएं से बाहर निकाला। गंभीर हालत में छात्रा को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को देर रात में ही यहां से जयपुर रेफर कर दिया गया।